हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग आज मैं आप लोगों के सामने एक कुकिंग वीडियो लेके आया हूँ, जैसे बैंगन का चोखा बनाना विद द हेल्प ऑफ ए कुकर। जैसे बैंगन का चोखा एक ट्रेडिशनल डिश है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बिहार यूपी इन सब जगहों में काफ़ी बनाया जाता है। और जो ट्रेडिशनल बैंगन का चोखा होता है यूजुअली उसको क्या है, पहले गांव में चूल्हे का जो अंगीठी था उसमें बैंगन आलू टमाटर को जला के बनाया जाता था। जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न हो गया, आजकल गैस पे भी लोग काफ़ी लोग रोस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये वीडियो स्पेशली मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए बनाना चाहता हूँ जो मान लीजिए हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, गैस कनेक्शन नहीं है। तो उन लोगों के लिए ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया था कि बहुत आसानी से जिसके पास आग में रोस्टिंग करने का ऑप्शन नहीं है, या मान लीजिए किसी के पास इंडक्शन कुकर से फिलहाल वो कुकिंग कर रहा है, उनका गैस थोड़ा दिन के लिए ख़राब है और उनको मन है कि चोखा खाने का, मैं ये रेसिपी तैयार किया हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल, मैं 2 मिनट का जस्ट एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोग बहुत आसानी से इसको घर पे विदाउट गैस या आग का बैंगन का चोखा बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में रहेगा फ्रेंड्स एक पूरा बैंगन, एक टमाटर, 3 छिले हुए आलू, 7 to 8 pieces ऑफ लहसुन गार्लिक और 4 मिर्ची। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग ये और अलग से आप एक कटोरी में कटे हुए प्याज और कटे हुए मिर्ची ले लीजिए, ये बाद में आपका जब चोखा बन जाएगा उसके बाद ये यूज़ होगा। तो अभी फ्रेंड्स इसको क्या करना है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के आपको ये 3 आलू टमाटर पूरा देना है, ये सारा चीज पूरा जाएगा, इस बैंगन, 4 मिर्ची और मेरे लहसुन। फ्रेंड्स ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स बोले हैं मैंने आपको, ये सारा आप एक कुकर में ले लीजिए। उसके बाद आप कप में मेजर करके 2 कप पानी दीजिए इसमें। नमक स्वाद अनुसार, नमक का एज पर टेस्ट, कच्ची घानी सरसों का तेल वो भी स्वाद अनुसार, अगर आप थोड़ा तेल ज्यादा पसंद करते ज्यादा दीजिए, तेल दे दिया मैंने। तो दिस इज द फ्रेंड्स फुल इंग्रेडिएंट्स और 2 कप पानी और नमक स्वाद अनुसार। ओके फ्रेंड्स ये सारा इंग्रेडिएंट्स को मिला के आप कुकर बंद कर लीजिए, 1 कप पानी डाल लीजिए और उसके बाद आप इंडक्शन को ऑन कीजिए। इसको बनाते टाइम एक ही चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपका जो इंडक्शन का हीट सेटिंग है उसको एकदम मिनिमम में रखिए। मान लीजिए अगर आपका 2000 है पावर तो आप 700 अराउंड में उसको सेट कीजिए, 500-600 का अलग अलग इंडक्शन का अलग अलग सेटिंग रहता है, जितना हो सके कम में दीजिए। 10 मिनट अराउंड लेगा आपको ये पहला सीटी मारने के लिए, उतना ही करना है। सीटी मारने के बाद हवा मत निकालिए। चलिए फ्रेंड्स तो इसको मैंने लगा दिया है सीटी लगाने के लिए। अगर आप गैस में बना रहे हैं विद द सेम मतलब सेम रेसिपी और सेम तरीका, आपको जो सिमर पोजिशन में आपको गैस को रखना है ताकि ये तकरीबन 7 to 8 minutes या रफली 10 minutes का आसपास सीटी मारने के लिए ले। अगर उतना टाइम ये रहेगा प्रेशर में तो आपका सारा आलू टमाटर बैंगन सब पक जाएगा। अगर आप बहुत जल्दी इसको बहुत फुल पावर में दे देंगे ये 2-3 मिनट में सीटी मार देगा, तब आपका कच्चा कच्चा रहेगा और चोखे में मज़ा भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसको चढ़ा दिया है गैस पे, रफली 10 मिनट के बाद ये सीटी मारेगा, उसके बाद जो मेरा पका हुआ प्रोडक्ट आता है उसको कैसे फर्दर प्रोसेस करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स अभी कुकर में पक के रेडी हो गए हैं। तभी मैं आपको ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सारा जितना मैंने आलू बैंगन टमाटर सब पक के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं इसको पानी झड़ा के एक बाउल में ले लेता हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ अगला स्टेप क्या करना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने जो मैंने स्टीम कुक्ड हुए है, नॉर्मल चोखे में क्या है आग से कुक होता है, यहाँ पे आप भाप से इसको मैंने कुक किया है। अभी मैं इनको क्या है इसका ये डंडा निकाल देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज,
काफी सारा मिर्ची स्वाद अनुसार, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, वो भी स्वाद अनुसार, और फाइनली थोड़ा सा कच्चा तेल, सरसों का कच्चा घानी तेल। नमक स्वाद अनुसार, तो फ्रेंड्स अभी इसको मैं अच्छे से मैश कर लेता हूँ। करके फ्रेंड्स आपको मैं फाइनली इसको एक प्लेट में परोस के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स दिस इज़ द फाइनल प्रेजेंटेशन। ये मेरा बैंगन का चोखा कुकर से बनाया हुआ बिना गैस का, और फ्रेंड्स ये देख लीजिए बहुत टेस्टी हुआ है, मैंने टेस्ट करके भी देखा है। सो मेरे जितने भी भाई लोग हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, या फॉर एनीवन जो मूवीज इन यूट्यूब, ये जो रेसिपी है पर्टिकुलरली जो बैचलर लोग हैं या टीनेजर जो हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, फ्रेंड्स मेरे सारे टीनेजर फ्रेंड्स बैचलर फ्रेंड्स जिनके पास गैस का एक्सेस नहीं है, वो यूजिंग दिस रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चोखा बना सकते हैं। बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत टेस्टी रहेगा। तो फ्रेंड्स दिस मच फॉर टुडे। फ्यूचर में अगर मैं और भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज मिलता है तो आपके साथ शेयर करते रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।